हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल डिलीशियस बाय शुमैला। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चॉकलेट केक, और किस तरह से इसको सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाया जाता है उसकी मैं टिप्स आज आपको दूंगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपना प्यार जताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट केक बनाना। चॉकलेट केक बनाने के लिए चाहिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स, आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और ऊपर से मैं लगा रही हूँ उस पर छन्नी, और एक कप मैदा लिया है मैंने बिल्कुल लेबल्ड, साथ ही में कोका पाउडर, ये भी एकदम लेबल्ड है 1/4 कप, एक चम्मच बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, और आधा टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा। अब हम इसको छान लेंगे, और इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और केक में सारी चीज़ों का मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक बार और मिक्स कर रही हूँ, और ये आधा चम्मच मैंने मिला दिया है नमक। चलिए सब मिक्स हो चुका है, अब हम इस बाउल को रख देंगे एक साइड में। अब हम दूसरी बाउल लेंगे, अब हम इस बाउल के अंदर डालेंगे 1/4 कप ऑयल, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। तो ये वेजिटेबल मैंने ऑयल लिया है, और साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चीनी, पिसी हुई चीनी मैंने ली है, ये मैंने इसको पीस लिया था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से। अब चलिए हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, ये 2 अंडे मैं इसमें ले रही हूँ, और दोनों ही रूम टेम्परेचर पर रखे हुए होने चाहिए, फ्रिज में रखे हुए अंडे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, सब चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करनी है इसमें। तो यहाँ बस अब मैं बीटर बीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, मैं 3 से 4 मिनट फेटूंगी, तब तक इसका क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए। आप चाहें तो हैंड वाला विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो बस को बस इस तरह से फेटते जाएंगे, और इसने कलर चेंज कर लिया, इसमें बबल्स आने लगे, तो ये क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दूध, ये हमने वनीला एसेंस डाल दिए, और बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। बस ये रेडी हो गया, अब हम इस पर अपना ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे। बस हमें यहाँ दिखाना है थोड़ा सा प्यार, 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हमें इसको मिक्स करना है, ओवर बीट बिल्कुल नहीं करना है। बस ये सेकंड टाइम भी ऐसे ही डाल दिया, बस हमें इसको बस इतना छोड़ना है, तब तक इसमें हल्के से बबल रहे, एयर मतलब निकालनी नहीं है हमें, ठीक है। और देखिए मैं कितने आराम से, बहुत धीरे से इसको मिक्स कर रही हूँ, बस अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिए आप देख सकते हैं इसमें बबल्स हैं, तो समझ लीजिए अब तैयार है। अब हम इसको इस डिश के अंदर हम डालेंगे। मैंने बेकिंग डिश को वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छे से, और इस बैटर को इसके अंदर डालेंगे, और बस को थोड़ा सा डैप करेंगे इस तरीके से, और प्री हीटेड ओवन में रख देंगे 30 मिनट्स के बाद, फिर हम इसको चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। अब चलिए चेक करते हैं टूथपिक डाल के, और अगर वो क्लीन होगी तो यानी हमारा केक हो चुका है, क्लीन है, तो बस इसको निकाल लेते हैं। तो ये ठंडा होने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ, 20 मिनट के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था इसको, और आप देख सकते हैं ये एकदम हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। तो बस तैयार हो चुका है चॉकलेट केक, लेकिन ऊपर मैं लगाऊंगी उसकी गनाश थोड़ी सी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको दे दूंगी, और इससे एक केक का जो कलर होता है बहुत ही अच्छा आता है, और थोड़ा टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की रेसिपी चॉकलेट केक की, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी दुआ में बिल्कुल मुझे याद रखें। मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।